लक्ष्मणगढ़ का लौका। मैं 5-7-10 मिनट के मायने मेरी बात कह दूंगा, क्योंकि मैं तो बोल तो ही रही हूं भाई। अच्छा एक बात बताओ, आईईडी बोलबा के चक्कर में ही तो आ रही है। गोविंद डोटासरा ने कभी जिंदगी में कोई गलत काम न किया है न करेगा, लेकिन जब बीजेपी के लिए आरएसएस के लिए बोलूं तो ईडी भी आवेगी, सीबीआई भी आवेगी, इनकम टैक्स भी आवेगो। लेकिन मैं थाने एक बात आज कहना चाहूं, रंधावा साहब एबे लोग है जका एक किसान के बेटे ने, एक मास्टर के बेटे ने 2005 के मायने पहली प्रधान बनायो, 2008 में डिलिमिटेशन के बाद में जब जनरल सीट हुई तो गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी टिकट दी। आदरणीय मोरदिया साहब अठा से एमएलए हुआ करता, नारायण सिंह जी, मोरदिया साहब और तमाम कांग्रेस के नेता मन आशीर्वाद दे रहे ठ्या के बीच में भेजो कि कांग्रेस की टिकट के ऊपर 2008 में तन विधायक को चुनाव लड़नू है। मैं एक ही वादो करियो आज से रंधावा साहब कि मैं आपको मान सम्मान रखूंगा, मेरो हुतो काम करूंगा, आपको नाम रोशन करूंगा और लक्ष्मणगढ़ में विकास की गंगा बहाऊंगा। और बी के ऊपर विश्वास कर, और मने अठ्या का लक्ष्मणगढ़ का आदरणीय मतदाता, माता, बहन, युवा, बुजुर्ग सगड़ा आशीर्वाद देर 2008 में एमएलए बनायो। राज आएगो 832 करोड़ को नहर को पानी लाया, ग्रेड बनाया, स्कूल खोली, सड़क बनाई, लेकिन दोबारा जब इलेक्शन आयो तो लक्ष्मणगढ़ के मायने ऐ महरिया साहब भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर अठ्या से मेरे सामने चुनाव के मायने हा। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब, आप परख जाने है, आप परख जाने के आदमी में की में दम है, कौन साचो है, कौन नकली है, कौन असली है, कौन व्यापारी है, कौन सेवक है। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता मेवानी साहब जानती है। और ऐ लोग बाग केवल 21 आदमी जीत्या, 163 क्या न कहे दो से माऊ प्रताप सिंह जी, 163 बीजेपी का भेजा, लेकिन अबार्ज को उम्मीदवार है महरिया साहब, वाने 11,000 से 88 पराजित कर भेजा। और जब लक्ष्मणगढ़ की जनता मोर लगा दी के गोविंद डोटासरा जीत गो और सुभाष जी महरिया साहब बीजेपी की टिकट पर हार गा, तो बे माने एमपी की टिकट कौन दी, एमपी की टिकट नहीं दी। बे आवेदन करियो पारिक साहब कन, मोरदिया साहब कन, नारायण सिंह जी कन, गोविंद डोटासरा जिला अध्यक्ष कन, पायलट साहब कन, गहलोत साहब कन, कि मेरी लाज रखो, बीजेपी में छोड़ दी, बीजेपी मेरा धक्को दे दियो, बीजेपी मेरो अपमान कर दियो, थे मन कांग्रेस ज्वाइन कराओ, मैं कांग्रेस के सागे जिंदगी भरूंगा। और भी टाइम आप भी बात कही कि मेरा बाप दादा भी कांग्रेस में हा, मेरा ताऊ रामदेव सिंह जी भी कांग्रेस में हा, मेरे में कांग्रेस को खून है, मन कांग्रेस में ले लियो। और कांग्रेस पार्टी दया करी, कांग्रेस का नेता दया करी, और सुभाष जी महरिया साहब ने कांग्रेस की लोकसभा की टिकट देवा को काम करो। आप बाई जनता है जिकी बा के लिए कांग्रेस का हाथ के निशान के ऊपर महरिया साहब ने वोट दिया। परिणाम 25 का 25 अच्छा को नहीं आया, गोविंद डोटासरा को काई दोष, कांग्रेस को काई दोष, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप हुए, मैं क्यों भी करियो। मैं अब गाने और दूसरी बार जब एमएलए बने हो तो रंधावा साहब ये लक्ष्मणगढ़ की जनता ने बीजेपी का नेता विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी, वसुंधरा राजे जी, आ किसाना का, नौजवाना का, महिलाओं का, बेरोजगारा का मुद्दा उठावा के लिए राजस्थान में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो दियो। और वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो जब दियो तो मैं लक्ष्मणगढ़ में मेरो सम्मान करियो। और मैं एक ही बात कही कि वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो गोविंद डोटासरा ने नहीं है, वही लक्ष्मणगढ़ की जनता ने है, जगह लक्ष्मणगढ़ से मन जितार भेजो है। कहो को नहीं कहो बताओ। और तीसरी बार जब मैं था के बीच में आयो तो हर बच्चे बच्चे की जुबान पर ही कि गोविंद डोटासरा श्रेष्ठ विधायक,
राजस्थान को लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा वोटा से जीतर जावे, 22,000 वोटा से जिताबा को काम आ लक्ष्मणगढ़ की जनता करो साहब। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता मेरो तो एक वोट है, थे लोगों के कारण से मैं राजस्थान की विधानसभा में गयो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ही बात उठती कि गोविंद डोटासरा जीतेगो तो राजस्थान को मंत्री बनेगो, कांग्रेस की सरकार आवेगी। मंत्री बने साहब, मैं मंत्री बने लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से, मैं वकील बने मेरे माँ बाप की मेहनत के कारण से, बाकी आशीर्वाद से। लेकिन अगर गोविंद डोटासरा एक मास्टर को बेटो अगर शिक्षा मंत्री बने हो तो आज लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब जिसने खून पसीने से इस गोविंद डोटासरा को सींचने का काम किया है। गोविंद डोटासरा जब मौको मिलो राज आयो, सीकर ने संभाग बनायो, लक्ष्मणगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनायो, नेछवा ग्राम पंचायत ने SDM बनाई, जिग्नेश मेवानी जी है जो बराबर में पार्क दिखता है ना, 14 करोड़ से नेचर पार्क बन रहा है, 3.5 करोड़ से ये स्टेडियम बन रहा है। यहाँ बदबू होती थी, गंदगी पड़ी रहती थी, यहाँ के ऊपर मरे हुए पशु पड़े रहते थे, लोग जब जाते थे इधर से तो अपनी रूमाल नाक के ऊपर ढक करके जाते थे। भाई साहब ये 35-35 साल राजनीति करके चले गए मैरिया जी एंड कंपनी, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ। और भाई साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ खुले मंच के माध्यम से कि इसकी चार दीवारी मैंने ठीक कराई, लेकिन पहले मैरिया जी के कोटे से बनी थी, लेकिन मैरिया जी के 10 लाख रुपए लेने में लक्ष्मणगढ़ के लोगों को कितने लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी ये लक्ष्मणगढ़ की जनता जानती है। आप समझ सकते हो कि कौन सच्चा कौन झूठा। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि एक जिंदगी में 1 रुपये का कभी रिश्वत नहीं ली, किसी ठेकेदार से पैसे नहीं लिए, किसी थानेदार से पैसे नहीं लिए, किसी तहसीलदार से पैसे नहीं लिए, किसी की जेब की तरफ नहीं देखा, लोगों की आंख में आंख मिला करके गोविंद डोटासरा ने इस लक्ष्मणगढ़ की सेवा की है साहब। 1800 करोड़ रुपया, क्या न कहे 1800 करोड़ रुपया, आने गिनती को नहीं आवे बीजेपी आना ने गिनती नहीं आवेगी। और मैं एक बात कह सकूं साहब, भारतीय जनता पार्टी को जब बीच में 2013 से 18 शासन हो, मैं विधायक हो, पूरे जिले के मायने 1800 करोड़ रुपया कोनी लागेड़ा, जगह अब काला गोविंद डोटासरा आकी मेहरबानी से विधायक बनने के बाद में पूरे लक्ष्मणगढ़ में लगा दिया। आज भाई लोग बाग मैंने चैलेंज करे, मैंने चैलेंज नहीं करे साहब, भाई था की ईमानदारी ने चैलेंज करे, थे जो बोर्ड देर मैंने आशीर्वाद दियो बिन चैलेंज करे, भाई जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक विधानसभा क्षेत्र में जिले को अस्पताल साहब सीकर संभाग सपने में नहीं सोचो, आज नेछवा ग्राम पंचायत के ऊपर SDM बैठे, तहसीलदार बैठे, पंचायत समिति को BDO बैठे, बाकी तकलीफ भी बात की है रंधावा साहब ये बात की कोनी के गोविंद डोटासरा ठा से चुनाव क्यों लड़े, अगर मैं 1800 करोड़ को विकास नहीं करतो, मैं था के दिला पर राज नहीं करतो, मैं था को आशीर्वाद लेर काम नहीं करतो, तो भाई साहब न तो ED आती और न नौटंकी होती, न नाटक होता, की के लिए मैं की के लिए करया। आज जब तो राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी और RSS के खिलाफ मुखर क्यों हूं साहब, मैंने कोई मेरा पिताजी वसीयत में थोड़ी लिखर देर गया कि तू आके खिलाफ बोल जे, ED के बोल जे, RSS के बोल जे। और मैं एक बात कहना चाहूं साहब, RSS है ने लक्ष्मणगढ़ की RSS 90% गोविंद डोटासरा ने 3 वारा वोट देवे साहब, दिल से प्यार करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं कि विचारधारा की बात है कि RSS देश ने बांटबा को काम करे, कांग्रेस 3600 कोमा ने जोड़बा को काम करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं, ये लोग विचारधारा की बात नहीं करे। एक विजन दियो साहब, मैं 10 पहल गण नामांकन सभा में 18 में मैं आके मैं 10 काम करूंगा, मैं साहब आके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में जाता ही सरकार बनता ही 10 का 10 12 में नाम वचन पूरा कर दिया, जगह में नेचर पार्क भी हो, मंडी भी ही, कॉलेज भी ही, स्टेडियम भी हो, पानी की व्यवस्था भी ही, सारा का सारा कर दिया। लेकिन आज की परिस्थिति है, बाकी मायने गोविंद डोटासरा के घर ही तरीके का षड्यंत्र है, अस्त्र शस्त्र है, जगह भारतीय जनता पार्टी का भाई क्यों भेजा जा रहा साहब,
क्योंकि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में मजबूत है, कांग्रेस की विचारधारा ने झंडो उठाए कांग्रेस को, और पूरे राजस्थान में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बेल है। अगर मैं एक बात पूछबो चाहूं, बीजेपी के लोगों ने इतने बहुत गालियां दी, मन काल अत्ती गालियां दी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि जका काल जता भी नेता, चाहे वह राठौड़ साहब हुए, चाहे वह मैरिया साहब हुए, चाहे कोई दूसरा साहब हुए, भगवान अन्य सद्बुद्धि दे, आना आपको विजन पेश करना चाहे साहब, आना कहनी चाहे कि लक्ष्मणगढ़ में जो डोटासरो काम करे वो कोनी मेहतो रत्तो कर देंगा। एक बताओ, जुमला बोलर चला गया, झूठ बोलर चला गया, गाल काटर चला गया, एक गाल मन नहीं काटी साहब, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता ने काटी, यार 25 तारीख नहीं को जवाब दे देगी। भाई मेरे लिए कहवे कि नाथी को बाड़ो, नाथी को बाड़ो मेरे घर ने बतावा है, मैं गर्व से कहूं मेरो घर नाथी बाई को बाड़ो है। नाथी बाई एक बाल अवस्था के मायने ब्राह्मण की बेटी हीज की बहू बन रही, बाल अवस्था के मायने भी को पति चले गयो, बा विधवा के रूप के मायने पूरे समाज की, पूरे गांव की, आस पड़ोस के लोगों की सेवा करी, और पूरे जिंदगी भर कदे भी कोई साहब को नहीं बूझो, और बस सेवा करती करती आपको नाम अमर करगी। अगर भी विधवा ब्राह्मण महिला जकी नाथी बाई जकी लोगा की सेवा करती करती, आपकी तपस्या करती करती पूरो जीवन लोगा की सेवा के लिए बितायो, अगर भी घर ने पे लोग नाथी को बाड़ो मन ने बतावे, तो इससे बड़ो सौभाग्य मेरो कोई हो नहीं सके। दूसरी बात, क्या लक्ष्मणगढ़ को नाम बर्बाद कर दियो, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करबा से नाम बदनाम हुए, कॉलेज खोलबा से नाम बदनाम हुए, नेचर पार्क खोलबा से नाम बदनाम हुए, सगले मास्टर ने ढिठीडे ले दिया इसे नाम बदनाम हुए, ओपीएस लागू करा दी भी से नाम बदनाम हुए, नेचुए में एसडीएम तहसील खुलवा दी, उपजिला अस्पताल खुलवा दियो नाम बदनाम हुए, स्कूल में 615 कमरा कर दिया, 100 स्कूल कर्मोन्नत कर दी, इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम हुए, के बात का भाषण दिया भाई बे, के बात का भाषण दिया। अरे मैरिया साहब, नाम आपने बदनाम कर दिया, मैं कहना चाहता हूं नाम आपने बदनाम कर दिया, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर सिलेंडर फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, एक भाई बीजेपी एक भाई निर्दलीय, क्या तमाशा लगा रखा है भाई, इससे नाम ऊंचा हो रहा है क्या? कोई नहीं आ कह के, कोई नहीं आ कह तेरो ठिकानों का ही है, जाके आज को तो ओ है काल को काल जाने, तो नाम बदनाम भी से वह गोविंद डोटासरा आपके ठीडे था कि सेवा करे भी से नाम बदनाम हुए साहब। एक एक रुपया, ये हिंदू की मुस्लिम की बात करते हैं ना, मैं कहना चाहता हूं रंधावा साहब 28 करोड़ रुपए मंदिरों में लगाए सरकार के, एक रुपया जिंदगी में कभी नहीं लगता था, ये गोविंद डोटासरा है अशोक गहलोत की मेहरबानी रही कि 28 करोड़ रुपए मंदिरों में गुगा जी हो, करणी माता हो, बालाजी हो, गणेश जी हो, जो हो, ये क्या बात हुई, इससे बदनाम हो गए, 100 स्कूलें बन गई, कॉलेजें बन गई, 1100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई साहब इस लक्ष्मणगढ़ में, सुभाष मैरिया अगर घूमने लगे मेरे बनाई हुई सड़कों में तो उसको 6 महीने लगेंगे साहब, 6 महीने। ये 4 महीने पहले आकर के टी 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 लक्ष्मणगढ़ की जनता का ईमान खरीदना चाहते हैं ये लोग, ये लोग भूल रहे हैं कि ये नाथ जी की पवित्र भूमि है, ये सैनिकों की, जवानों की, किसानों की भूमि है, यहां मैरिया साहब खरीदा नहीं जाता, यहां दिलों पर राज करना पड़ता है, और गोविंद डोटासरा कर रहा है, खरीद नहीं सकते साहब, इनको खरीद नहीं सकते। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज फार्म भरा है, मैं आपको बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पूरे सम्मानित मंच को और आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर गोविंद डोटासरा आज के बाद में वोट पड़ने के बाद में भी आए
तो 44,000 से सुभाष महरिया हारेगा, गोविंद डोटासरा जीतेगा। ये जनता लड़ती है साहब मेरा चुनाव, गोविंद डोटासरा तीनों चुनाव नहीं लड़ा है, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता लड़ती है। ये माँ बहने बैठी है ना अपना काम थका के, ये युवा जो जय बोल रहे आज, तो भाई जी ये टेंट ने भी फैल कर दी और ये डीन ने भी फैल कर दी। आई डी ई को मतलब ओ ई टेंट ने, डी को मतलब आज की डी बनाई जाए इन, काई करेंगे साहब मेरो काई करेंगे, मेरो शपथ पत्र देखो मेरे कन के माल है, सुभाष जी महरिया साहब को शपथ पत्र देखो भी कन के माल है, राठौड़ साहब को शपथ पत्र देखो ऑनलाइन पढ़े के माल है। तो भाई जी मोपली को ठेलो लगायो को नहीं जिंदगी में, तो थारे शपथ पत्र में माल खटाऊ आयो, मैं तो वकील हो साहब, मेरी लुगाई मेरी घराली मास्टरनी, मेरो बाप मास्टर, मेरी माँ के पेंशन आवे, मैं आप पूछनू चाहूं महरिया साहब आ लक्ष्मणगढ़ में व्यापार सजाबा की जरूरत कोनी है, आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है, अगर गोविंद डोटासरा काम करियो है तो भाई जी बैरंग लौटा दियो पहल के लौटायो जिया को जिया, अगर मैं काम नहीं करियो है तो मैं एक वोट लेबा को अधिकारी नहीं हूं। अब आर रंधावा साहब कह रहा कि थोड़ा कड़क बोले, भाई साहब कड़क नरम दो ही तो चीज है, दिल से नरम, काम से कड़क, काम कराता हूं। मुख्यमंत्री को इसी जगह ला करके मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी संभाग दे दो सीकर ने, मिले हो कोनी थाने संभाग, काम में कोई कमी रहेगी के, तो फिर के मांगे भाई, शपथ पत्र देखो सुभाष जी महरिया साहब को, आपका निवास स्थान कहाँ है, धौत, और गोविंद डोटासरा को शपथ पत्र देखो कृपा राम जी की ढाणी लक्ष्मणगढ़, के मांगे भाई बारी बारी के मांगे, के बोले के नहीं बोले, मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं बाकी खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहूं आज, मैं मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहूं, मैंने रावण भी बतायो, मन कंस भी बतायो, मैंने भ्रष्टाचारी भी बतायो, मन पेपर लीक आलो भी बतायो, घमंडी भी बतायो, मैंने के बतायो, मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं जस्यो भी हूं जो भी हूं, थाक को बनाएड़ो हूं थाक के लिए हूं, मैं घमंडी नहीं हूं महरिया साहब, मैं स्वाभिमानी हूं, मैं लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से बनेड़ो हूं, मैं झुककर लक्ष्मणगढ़ की जनता को अपमान नहीं कर सकूं। के होगा मन एक बात बताओ, राठौड़ साहब लंबा लंबा भाषण ठोकर गया ठोक्या बाने, मैं एक बात बूझना चाहूं, बोई राजेंद्र जी राठौड़ भी कमेटी में मेंबर हो जगह में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो लक्ष्मणगढ़ के गोविंद डोटासरा ने दिए, क्या बात कर रहे हो, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, चुनाव आपका है, चुनाव आपके कारण से जीता हुआ हूं, आपका आशीर्वाद होगा वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत के आएगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत। भाई जी टेंट में रात ने कहो, मैं क्यों रंधावा साहब एक मिनट में रंधावा साहब मैं कहो के साहब टेंट महरिया जी आलो है बतो ही राख लेंगे, मैं कियो चौगुणो लगाओ बेटी का बापो, रात ने पूरो टेंट लगायो चौगुणो टेंट लगायो, फिर भी बारे तावड़े के मायने बेचारा मन आशीर्वाद दे बनाया है, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकूं। मैं एक बात करूं चाहूं, जिंदगी के मायने चाहे ईडी बुलावे इनकम टैक्स बुलावे सीबीआई बुलावे, गोविंद डोटासरा न डरने वाला है न घबराने वाला है, गोविंद डोटासरा डरने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ डर गया, गोविंद डोटासरा घबराने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ घबरा गया, तो लक्ष्मणगढ़ न कभी डरता है न झुकता है न घबराता है। नाथ जी के सरदार नाथ जी महाराज को पाठ जोड़े साहब में किताबा के मायने शिक्षा मंत्री हो, तो इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम होगोगे है,
1500-1200 करोड़ की पेयजल की योजना आन के पानी नहर को पानी मीठो गंगा जल मिलेगो इसे लक्ष्मणगढ़ बदनाम हो गए। इसलिए मैं एक ही बात करना चाहूँ, हेलीकॉप्टर उड़बाड़ो है, पारिक साहब ने तमाम नेता ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, गेदर साहब ने सब ने धन्यवाद देना चाहूँ, जिग्नेश मेवानी जी ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, आप सब ने धन्यवाद देना चाहूँ। आज से चुनाव थाको और 5 साल सेवा को काम गोविंद डोटासरा को, आप सब आया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग जितने भी आए हैं उनका भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद।